भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार फिर एक बार, मोदी सरकार फिर एक बार, मोदी सरकार फिर एक बार, मोदी सरकार आपकी बार सरकार पर, आपकी बार सरकार पर, हाथ बांधो आपकी बार सरकार पर, आगे सरकार जाए, स्टेज के आगे जितने भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं वो धन्यवाद करके अपने अपने स्थान पर जाए, आगे का पेशी थोड़ा खाली कर दे। चलिए अपने अपने जगह तो है भी स्वागत है, अनुरोध भाई जी का स्वागत है, माननीय सुमित कुमार शर्मा जी, माननीय सुमित कुमार शर्मा जी, मेरे भाई कैमरा के आगे मत खड़े रहो ना, हट जाओ, आप बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, मस्त है जी, ओ भाई भाई रुक जाओ यार, दो मिनट तो बात की पाजी मोबाइल सामने सामने जुगल जी सामने सर सामने 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 ओ भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या थी ओ भारत माता की, जुगल जी सामने जी सामने सर सारे अपनी अपनी जगह पर चल बैठ जाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, फिर एक बार भारत माता की, हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष और एक हजारों नेता जिनकी क्यादत में आज देखो कितना कार्यकर्ता का, हमारे बीच में जम्मू सोच की अध्यक्षा है रेखा जी, उनको मुख्य ओ भाई मोबाइल पीछे कर सर, कहाँ पे सर 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 बोल जी, हमारे बीच में हमारे माननीय जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जुगल का जय श्री राम, मोदी जुगल का जय श्री राम, मित्रों 400 पार तब होंगी जब जब फिर में आए, भाई और बहनों डल लेक पर चर्चाएं तो होती थी, कभी किश्तियों पर भी रोक लग जाती थी, अब की बार तो फॉर्मूला कार भी 300 किलोमीटर की स्पीड से भागती हुई नजर आती है, ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की ओर आगे बढ़े। मैं देख रहा था जब वाल्मीकि समाज के मेरे भाई यहां पर ऊपर आए, बहुत भावुक हो गए थे, सदियों से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको मजबूरी में और मजदूरी के लिए यहां पर लाया गया, उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, क्योंकि गरीब थे, अनुसूचित जाति से आते थे, वाल्मीकि समाज से थे, हकों के लिए लड़ते थे, कोई देता नहीं था, लेकिन गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे वाल्मीकि समाज हो, मेरा गुर्जर समाज हो, उनका हक देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहां पर किया है। मेरे भाइयों बहनों याद करो 2014 जब 2014 के चुनाव थे तो कांग्रेस मोदी को क्या कहती थी, एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालते थे, आज तक 120 गालियां निकाल दी हैं, 120 बार, कोई कहता था गंदी नाली का कीड़ा, कोई कहता था नीच, कोई कहता था बिच्छू, कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई ना जाने क्या क्या कहता था, और फिर कहते थे ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारत के लोगों को देश बेचने वाली कांग्रेस नहीं चाहिए थी, उन्होंने चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी को चुन लिया। मेरे भाई बहनों आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री हाथ सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है, ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई, हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा
आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की टीम के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य, जिलों के प्रधान, जिलों की टीम, मंडलों के प्रधान और कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जिन्होंने इस पर ठाना है, ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं? मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का मानसमान भी बढ़ा है, देश शक्तिशाली हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुए हैं और देश में हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है। विशेष तौर पर गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में देश के नागरिकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है वो बेमिसाल है। एक से बढ़कर एक योजना देश के नागरिकों के लिए उन्होंने समर्पित की और वो ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जो वर्षों से लड़के पड़े थे, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे समस्याओं का समाधान जो है वो अब जाकर हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करके जम्मू कश्मीर में भी विकास तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे निर्णय भी लिए हैं और विकास कार्यों को आगे भी बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ जो जम्मू कश्मीर में हुआ है उससे आप सब अवगत हैं। बतौर सांसद आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी थी, मैंने क्षेत्र में तो उसे निभाने का प्रयास किया ही, लेकिन आपकी आवाज बनकर संसद में भी जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपकी आवाज को बुलंद किया। ये चुनाव किसी एक ने लड़ना था, वो तो एक मात्र माध्यम है, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हर जगह जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल, यही हमारा जो है कैंडिडेट है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखिए, देश ने मूड बनाया है कि प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार विदेश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पहले पहले हमारा एक एक वोट जो है वो कमल के सामने वाला बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के खाते में जाना चाहिए। उसके बाद बाकी हम का मुझे सेवा करने का एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि सेवा भाव से मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका सेवक बनके